शुभ सकाळ पिलामाने आजि आमे सप्तम श्रेणी साहित्य सर्वपुस्तकर महापुरुषक जीवनी र पाठ तीन की पढ़िया प्रसंग नाम होला मुक्तिजोद्धा जयराजगुरु आमर आमे पूर्वर यार दुईट भाग पढ़ी आज तृतीय भाग को पढ़िया तेरे पूर्व भाग में आम जाने जे जयराजगुरु किभली भाव इंग्रज मानक विरुद्ध लड़े करने पाइक मानक नहीं सेना बाहन गढ़ी पदा पदातिक अश्वारोही और गजारोही भाव में तीनो सेना बाहन गढ़ी आतीत चारोटी अन्य सेना चारोटी दल गढ़ी पहाड़ी बाणुआ ढेकिया आउला गरिला ताले आम सेना बाहन विषय जानते आज आम तार आ कि परामर्श पढ़ल इंग्रेज मानक समर सज्जा देखी गाँ गाँव युवशक्ति पायक शक्ति दल दल बेहरा मैंने टोका मान बुढ़ा मान पर्यंत झील मान बोह मान पर्यंत आरंभ कर बुढ़ी मान मन में विद्रोह चमक सृष्टि उत्तेजित हो मटी माँ पर प्राणवली देवाक अंटा भिड़े आगे आसे शह शह वीर जवान पायक मानक पायक आठवा दल भेंडिया मैंने ढोल मादल शंख महुरी बजाइवाक बाहरी पड़े खोरधा माटी ताति उठिला इंग्रेज मैंने बरुणाईगढ़ तले मुकुंद प्रसाद जेमादेई पोड़ासाई अंचल सैन्य छावनी सजाई प्रस्तुत हेले युद्धपाई से दुख एक नक गरिला बाहन बरुणाई पहाड़ उपर अग्निवर्षा कर सरनिक्षेप कर शह शह इंग्रेज सेना मानक धराशायी करदे तीन दिन धरी बरुणाई अवरोध होला गड़र भेद इंग्रेज मैंने जापारे पाई ना गमागड़ युद्ध गगन गगन पवन प्रकम्पित होगा मटी माँ को रक्षा करने को निजर विटामाटी को सुरक्षित करने को लोक मन में उन्मादना सृष्टि इंग्रेज मान खंडा तलुआर धरी इंग्रेज मान खंडा तलुआर धरी आक्रमण करने को पायक जाति लड़ुआ वीर खंडायत मैंने सिंहपरी गर्जन कर उठिले सेनाध्यक्ष राजगुरु सुडंग मध्य रही विवाह रचना कर गजपति सुरक्षा निम्ते गुप्त सुडंग बाट दे महाराजा मुकुंददेव को पुरीर गंगामाता मठ को पठाई दिगला तेरे इंग्रेज मानक सामर सज्जा देखी गाँव में कौन है गाँ गाँव में युवशक्ति पायक शक्ति दल दल भरा टोका बुढ़ा मान पर्यटन झील ठार बो मान पर्यटन समस्त मन में गोटे विद्रोह सृष्टि उत्तेजित हो मटी माँ पर प्राणी देवाक समस्ते अंटा दिए शह शह वीर जवान से माने सबू इंग्रज मानक विरोध में लड़े करने आगे आसे पायक आखड़ा दल भेंडिया मैंने ढोल मादल शंख महुरी बजाया को बाहरी पड़े खोर्धा माटी ताति उठिला इंग्रज मैंने बरुणाईगढ़ दल थी मुकुंद प्रसाद जेमादेई पोड़ासाई अंचल सैन्य छावनी सजाई प्रस्तुत हेल्ले युद्धपाई इंग्रज इमर पायक मानक भाव प्रस्तुत देखी इंग्रज मैंने सहित लड़े करने प्रस्तुत हेले ताले से भूक्षेप नक गरिला बाहन बरुणाई पहाड़ उपर अग्निवर्षा कर सरनिक्षेप कर शह शह इंग्रेज सैन्य को धराशायी करते जिते इंग्रेज मैंने प्रस्तुत होवार शुणिले देखिले से पायक मैंने पछले से इंग्रज मानक सर वर्षा कर सरनिक्षेप सब कले शह शह इंग्रेज मानक धराशायी कर मृत्यु मारिदेले तीन थर धरी बरुणाई अवरोध होगा गड़र भेद इंग्रज मान को जना पड़ा ना से मैंने तीन दिन धरी कौन बरुणाई अवरोध कले अटे रखिले बरुणाई को गड़र गड़र कौट कौन चली इंग्रज मैंने किसी जापारे घमाकूट युद्ध गगन पवन प्रकम्पित होगा इंग्रेज मैंने किसी जापारे ना तेणु कौन है ना घमाघट युद्ध होगा क्या मध्य ना पाइक मान पाइक आंग्रेज मान मध्य घमाघट पूरा जोरसोर से युद्ध होगा मटी माँ को रक्षा करने को निजर भिटामाटी को सुरक्षित करने को लोक मन में उन्मादना सृष्टि समस्ते आग्रह उठिले कि भाव में निज मटी माँ को से इंग्रेज मान कबल रक्षा करेंगे इंग्रेज मान खंडा तलुआ धरी आक्रमण करने को पाइक जाति लड़ुआ वीर खंडा मैंने सिंहपरि वर्जन कर सेनाध्यक्ष राजा को सुडंग मध्य रही विवाह रचना कले
এবং এই কি আছে জয়রাজগুরু সুড়ঙ্গ মধ্যে রহিকি কি বসে সমস্ত কি প্রশিক্ষণ দৌলে কিভাবে ভাবে কে কার্য ঠিক সময় হব তা সে সমস্ত সূচনা দৌলে গজপতি সুরক্ষা নিমন্তে গুপ্ত সড়ঙ্গ বাট দিয়ে মহারাজা মুকুন্দদেব পুরীর গঙ্গা মাতা মঠকু পঠাই দিয়ে পঠাই দেবে ও মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথঙ্কর ভোগ নীতি নিয়ম মঠাধীশ নরোত্তম দাসঙ্ক পাখু এক পত্র দিয়ে লেখি প্রেরণ করলে জয়রাজগুরু মহারাজা মুকুন্দদেবকে পুরীর গঙ্গা মাতা মঠকু পঠাই দেবে ও মহাপ্রসাদ মহাপ্রভুঙ্কর শ্রী নীতি নিয়ম মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথঙ্কর ভোগ নীতি নিয়ম মঠাধীশ নরোত্তম দাসঙ্ক পাখু পত্র লেখি পঠাই দেবে যুদ্ধর দুন্দুভি সময় জগন্নাথঙ্ক পরম ভক্ত সেবক জয়রাজগুরু মহাপ্রভুঙ্কর সেবা নিমিত্ত মধ্য সচেতন থাকা কথা শুনলে প্রত্যেক ওড়িয়া মনে কম্পন সৃষ্টি হুয়ে যেতবে যুদ্ধ এইভাবে ভাবে প্রচন্ড জোরে ইংরেজ আগ পাইক মানে যুদ্ধ চাল সেই সময় জগন্নাথঙ্কর পরম ভক্ত সেবক জয়রাজগুরু মহাসেবাঙ্কর কিভাবে ভাবে মহাপ্রভুঙ্কর তাঁর সেবা বন্ধ নহব সেপাই কিভাবে সে সচেতন লে এই কথা শুনলে প্রত্যেক ওড়িয়া মনে কম্পন সৃষ্টি হয়ে নিজের নিষ্ঠা নিঃস্বার্থতা সাধুতা ও কর্মঠতা নেই মানুষ জীবনর পূর্ণতা মাপা যাই থাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষটি হওয়াপাই দেশের জাতির আদর্শ পুরুষ হওয়াপাই যে ত্যাগ আবশ্যক তাহা বিপ্লবী জয়ী রাজগুরু প্রতিপাদিত হয়েছিল জনে তাহলে গোটে স্বয়ং স্বয়ং জয়রাজগুরু লে জন স্বয়ং সম্পূর্ণ মানুষ যেকি নিজের শিষ্ঠা নিষ্ঠা নিঃস্বার্থতা সাধুতা ও কর্মঠতা নেই মানুষ জীবনর পূর্ণতা পাই এবং সে জন্য সে জন্য কোণ না আমার দেশের জাতির আদর্শ পুরুষ যেকি যেকি নিজ জীবনক বা দেশের দেশবাসী মানুষ সেবায় লগাই দিয়েছে যুগে যুগে সাধু সন্থ দেশপ্রেমী মান উদাহরণ সহ কেতক দেশদ্রোহী চুগুলিয়া উদাহরণ কম নথায় কেতক দেশদ্রোহী সহায়তার ইংরেজ মানে গড় মধ্যে প্রবেশ করে নরসংহার চলাইলে শেষে আশ্চর্য ও নিরুপায় হয়ে জাগ্রত সিংহ লবমানব লবশৃঙ্খলায় বন্ধি হলে দিনে কম হল না সমস্ত কিছু শত্রুপক্ষ থাকে কেতে মিত্রপক্ষ থাকে এইভাবে ভাবে জয়রাজগুরু দেশপ্রেমী হয়েছিল তাঁর কেতক বিপক্ষে তাঁর শত্রুতা লা তাঁর কিছু লোক সহ তেমন সেই চুগুলিয়া মান সে শত্রুপক্ষের লোক সহ কম হল না সে ইংরেজ মান হাতে লোক এই জয়রাজগুরু ধরাই দেবে শেষে আশ্চর্য ও নিরুপায় হয়ে জাগ্রত সিংহ লহু মানব জয়রাজগুরু লহ শৃঙ্খলার বন্ধ হলে লহ শৃঙ্খলা কোণ আমি যে পিঞ্জরা কুচে শিঙ্খুড়ি বলে কুচে যে বাঁধি দিকে বলে জয়রাজগুরু বন্দী হলে তাহলে 1804 ডিসেম্বর মাস 5 তারিখে ইংরেজ মান দ্বারা জয়রাজগুরু বন্দী হওয়া জাঁড়ি মহারাজা ব্যস্ত বিব্রত হয়ে ছদ্মবেশে অন্যত্র পলায়ন করিয়া বাটরে সেই নিমফার মান সহায়তার ধরা পড়লে যেতবে মহারাজা মুকুন্দদেব শুনলে যে জয়রাজগুরু ইংরেজ মানে বন্দী করছেন সে রাজা মধ্যে ব্যস্ত বিব্রত হয়ে পড়লে এবং সে ইংরেজ মানুষ রক্ষা পাইয়া সে মধ্যে খসি পড়াইবাকে চেষ্টা করছে ছদ্মবেশ যেত ছদ্মবেশ গোটি অন্য বেশ লুচিকি যে অন্য গোটি বেশ করি যেত পলায়ন করলে সে মুকুন্দদেব মধ্যে ধরা পড়ে ইংরেজ মানুষ হাতে ধরা পড়ি বন্দী মধ্যে হয়েছিল রাজা মন্ত্রী দুহে বন্দী হয়ে রাজা বাটি দুর্গরে রাজা হলে মুকুন্দদেব মন্ত্রী লে কি সে না জয়রাজ দুহে রাজা মন্ত্রী দুহে বন্দী হয়ে কি বারবাটি দুর্গরে রহলে তথাপি ইংরেজ শাসক পুনর্বার ভয়ভীত হয়ে সে মেদিনীপুর পঠাই দেলে তথাপি মধ্যে বন্দী হয়ে যদিও রাজা মন্ত্রী দুহে বন্দী গৃহে লে তথাপি এই মানুষ ইংরেজ মানুষ মনরে ভয় লা কালে সে বাহি আসি এমান বিরোধে আহ লড়াই করবে সেপাই কম গেলে না ইংরেজ শাসক পুনর্বার ভয়ভীত হয়ে সে মেদিনীপুর পঠাই দে বিচার হল বিপরীত মাত্র যে নিজের পরিবার গাঁ রাজকীয় ভোগ বিলাসক তুচ্ছ করে মাটি মাপা জীবনক বাজি লগাইলে সেই পরম ভক্ত দেশপ্রেমী মুহে কোণ মিথ্যা ছলনা শোভা পাইপার
जे सारा राज्य को निजर बोली भागुथिला जे राजा को ठाकुरंगर चलंती प्रतिया बोली भागुथिला से ठाकुर राजा को विरोध रे कहिबा को तार जीव लेउटिबो किमुति ताले से मिच्छ कथा जयराज गुरु केबे हेले मिच्छ कहि बलेन जे दिले देशवासी को एते भलो पाउथिले देशवासी परिवार गा भोग प्रेस सुख करिकि जे कोन निज माटी मावान बाजी लगाइले निज जीवन को से परम भक्त देश प्रेमी मुहरे कोन मिथ्या छलना सब से केबे मिच्छ कथा कहि परिबे कि जे सारा राज्य को निजर बोली भागुथिला जे राजा को ठाकुरंगर चलंती प्रतिया बोली भागुथिला से ठाकुर राजा के विरुद्ध रे कहिबा कि ताकर जीव लटि बसे त राजा के विरुद्ध रे किछ मिथ्य कहि परिबे नै तेणु मृत्यु आसन जाने मध्य वीर योद्धा दम्भर सहित कर्णेल हरपट को धमक दी निजर कार्य को माटी मारे कर्तव्य बोली दृढ़ जवाब दे मृत्यु आसन अर्थात मृत्यु सी जयराज गुरु जानते मुझे राजा विरुद्ध में कहि तर मृत्यु निश्चित मृत्यु ठीक पाखे अच्छी तथापि से न डरिकी से निज मटी मापे जहाँ कह कथा से निश्चित करे से दृढ़ जवाब दे मृत्यु आसन जमान मंदिर ओडिया जाति कहीं सारा मानव समाज को अनुप्राणित करने प्रेरणा दिग्दर्शन और प्रत्येक नागरिक निजर देशर देशपाई प्राणवल देवाई एक आह्वान था यही जयराज गुरु जो भाई न डरी निजर देश को स्वाधीनता फेर आने निज देश निर्भीक भाव राजा को मिछ कथा न कही सब सत कथा कहते से यही आम को कौन प्रेरणा दे आम आम देश और जाति आम निज जीवन को दरकार पड़े सब वाले आम सेवे लगे दबा दरकार पड़े जीवन को बलिद यह आमको प्रेरणा दौर मिथ्या मतामत को नहीं इंग्रेज शासक 1806 डिसेम्बर 6 तारीख में मेदिनीपुर बाघीदा नाल निकट पुणा बरगछ डाल दुईटे आहत सिंह को मृत्युदंड दे मिथ्यादंड कि दोष न करी मेदिनीपुर बाघीदा नाल निकट पुणा बरगछ डाल दुईटे आहत सिंह को मृत्युदंड दे स्तब्ध हो गले सगुणा बिलुआ तोटामाल पशुपक्षी मान कि दोष न खाई इंग्रेज मैंने जयराज गुरु को लेकर बाघीदा मेदिनीपुर बाघीदा नाल निकट गोटे पुराणा बरगछ डाल दुटे आहत सिंह जो भाई भाव गोटे आहत सिंह अर्थात गोटे क्षत विकस्त विक्षत स्नेह जो भाया गर्जन करता है से भाई गोटे से आहत सिंह सदृश ये जयराज गुरु को लेकिन गोटे गस बरगछ डाल मृत्युदंड इंग्रेज स्तब्ध हो गले सगुणा बिलुआ तोटामाल पशुपक्षी मान एणे तेणे धाइले असह्य बेदन घास फूल मान झाउली पड़े गछ डाल झरला लोतक खोर्धा राइज मशाणी सम निस्तब्ध हो गला जयराज गुरु मरी भी अमर हो गले जुग जुग ओडिया वीर पर भारत माँ गर्व गला तेब यही जयराज गुरु मूर्ति स्तब्ध हो गला पूरा स्तब्ध मानने जहाँ कि पारा ना पूरा निस्तब्ध तहार पटर कि फुटला ना जो सगुणा बिलुआ तोटामाल पशुपक्षी मैंने स्तब्ध हो गले ये जो निर्मम हत्याकांड देखिकी एणे तेणे सब धाइले घास फूल मानने झाउली गले सत्य जमी गोटे देश प्रेमीर यही मृत्यु यू निर्मम हत्या दि जाता देखिकी सत्य जमी घास फूल मैंने मौली जाते झाउली पड़ते गछ आ कौन गछ डाल सत्य जमी कौन झरी पड़ा लुह लोतक लुह झरी पड़ा खोर्धा राइज मशाणी समय निस्तब्ध हो गला खोर्धा राइज जयराज गुरुर मृत्यु जो दिगला खोर्धा राज्य निस्तब्ध पूरा मशाणी भाया जो भाई मशाणी से सब वाले कौन सुनसानता देखा जाए से खोर्धा राज्य पूरा सब सुनसान पूरा देखागला पूरा कहार पटर कि समस्ते छानिया काटका रहीगले पूरा जयराज गुरु मरी भी अमर हो गले जीव जुग ताले जयराज गुरु जे कि आम मुक्ति संग्राम प्रथम योद्धा थे जदि आज से मरी जाती तथापि से जुग जग को यम देश निज जीवन को बलि जुग जुग को अमर हो ओडिया वीर पर भारत माँ आज गर्व कर पाने आम यही मुक्ति योद्धा जयराज गुरु
विषय के भीतर आमे प्रसंग के भीतर आमे पढ़िले एहर आमे अभ्यास पाठ को घरे करि आनि तबे तुम पई आजिर होमवर्क होला तुमे घरे पिलाने तुम्हें आज होम वर्क प्रश्न अभ्यास पाठ टी घर आत।